अस्सलामु अलैकुम, यह है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट वन PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी पिछली कुछ दिनों में, तो दैट इज़ व्हाई इट टुक मी टू लॉन्ग टू अपलोड द नेक्स्ट लेसन, द लेसन टू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में लेसन टू परसेप्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे लेसन टू और उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे पार्ट वन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द परसेप्शन ऑफ शेप्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप्स, और फिर फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप्स के अंडर हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस और सैलियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। परसेप्चुअल ग्रुपिंग को भी हम डिस्कस करेंगे लेसन टू पार्ट टू में। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से द परसेप्शन ऑफ शेप। परसेप्शन ऑफ शेप यानी कि क्या चीज़ है ये? आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम जब आप देखते हैं, आप सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो यही होता है कि ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इट। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम सबसे पहले उसके शेप पे रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कमरे में इंटर होते हैं, अंधेरा है और आपने सामने एक शेप देखा अंधेरे में, आपको अंदाज़ा हुआ कि हाँ इस तरह की शेप की अगर कोई चीज़ है तो वो कुर्सी है, तो आपने वहाँ पर अपने परसेप्शंस फॉर्म कर लिए उसके शेप को रिकॉग्नाइज करके। ठीक है, ये मैंने जनरल सी एग्जांपल दे दी, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी चीज़ अपनी दुनिया जो अपनी डेली लाइफ में अगर आप देखते हैं तो आप सबसे पहले उसकी शेप के ऊपर रिलाई करते हैं। ये टेंडेंसी जो है ये हमारी अर्ली एज से ही एविडेंट है, और टाइम के साथ साथ जो है ये हमारा इन्हेंस्ड होता रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग एज में जो है आप चीज़ों को सीख रहे होते हो और फिर बाकी जो अर्ली टाइम टू टाइम जो है आप उसको उतना ही इट गेट मोर प्रोनाउंस्ड एज वी गेट ओल्डर। इससे रिलेटेड एक डेक्स एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ब्लू वुडन ऑब्जेक्ट था, एक जो 3 साल के बच्चे थे उनको एक ब्लू वुडन ऑब्जेक्ट दिखाया गया और उनको कहा कि ये डैक्स है, और इसके अलावा फिर ये बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको और इसको दिखाया गया, और फिर कहा कि ऐसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो जो कि एज अ डैक्स हैं। उसके बाद फिर जो ये डी ऑप्शन में जो आपको पिक्चर नज़र आ रहा है फिर ये दिखाया गया, तो जो बच्चे थे उन्होंने इस वाले ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसका शेप चेंज था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये डैक्स नहीं है, और जो ओरिजिनल डैक्स की शेप के अकॉर्डिंग जो शेप उनको नज़र आता था तो उनको एज अ डैक्स कंसिडर करते थे। तो यहाँ से उनको अंदाज़ा हुआ कि हम जब कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी चीज़ हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके शेप पे रिलाई करते हैं, सबसे पहले हम उसके शेप को देखते हैं, उसके शेप के अकॉर्डिंग फिर हम उसको जज करते हैं और परसीव करते हैं। अब द परसेप्शन ऑफ शेप में जो एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है, अ गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टेट्स दैट वी ऑटोमेटिकली सेपरेट द एलिमेंट ऑफ अ परसेप्शन इनटू फीचर दैट क्लियरली स्टैंड्स आउट द फिगर एंड लेस डिस्टिंक्ट द ग्राउंड। यानी कि ये गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हम कोई भी चीज़ अगर परसीव करते हैं तो हम उसको फिगर और ग्राउंड में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो हमको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा होता है, हाँ जो हम जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं वो हमारे लिए फिगर हो जाते हैं, और जो बाकी चीज़ हैं जिससे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिससे हम उसको डिस्टिंक्ट करते हैं, वो हमारे पास बैकग्राउंड आ जाते हैं। सबसे पहले फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, और अकॉर्डिंग टू ये कि हम जो चीज़ परसीव करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम परसीव करते हैं उसको हम फिगर कहते हैं, और वो फिगर जो है हमारे पास बाकी बैकग्राउंड से हटके होता है। यानी कि अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपके लिए ये स्क्रीन जो है फिगर है, और ये बाकी जो आपके कमरे का एनवायरनमेंट है, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, वो आपके लिए बैकग्राउंड है। या अगर आप इस प्रेजेंटेशन में आप ये वर्ड्स देख रहे हैं तो ये आपके लिए फिगर है, और ये जो पीछे पेज है
यानी कि ये जो स्लाइड है व्हाइट बैकग्राउंड है, ये हमारे पास ग्राउंड है। फिगर क्या चीज़ है? फिगर हमारे पास मेन एलिमेंट है, कोई भी सीन उसको उसमें जो हमारे पास मेन एलिमेंट होता है जिसको हम देख रहे होते हैं वो हमारे पास फिगर होता है, और बाकी जो चीज़ होती है वो हमारे पास बैकग्राउंड होता है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड। अब कभी कभी इसी तरह इस तरह भी होता है कि हम एक सिंगल इमेज को, एक सिंगल पिक्चर को दो डिफरेंट वेज में, दो डिफरेंट तरीके में उसको परसीव करते हैं, और उसको हम कहते हैं फिगर ग्राउंड रिवर्सल, जिसको हम मज़ीद आगे डिस्कस भी करेंगे और आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कि फिगर ग्राउंड रिवर्सल जो है वो कौन सी टाइप की कौन सी टाइप का फिनोमिना है या कौन सी टाइप की एग्जांपल जो है इसके साथ मैच होती है। ये एक पेंटिंग है यहाँ पर, इसको बनाया था एम सी एस्टर ने, और उन्होंने ये फिगर ग्राउंड रिवर्सल वाला जो टेक्निक है इसको उसने यूज़ किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस एरिया को अटेंशन पे करें तो यहाँ पर आपको ये एक येलो कलर का एक लाइन नज़र आएगा जिसकी विंग्स हैं, लेकिन अगर आप इस ब्लैक एरिया को अटेंशन पे करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक लाइन नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक ही इमेज में दो फिगर्स हैं आपके पास, आपकी अटेंशन यहाँ पर शिफ्ट होती है तो ये आपके आपको पूरा एक डिस्टिंक एक फिगर नज़र आ रहा है, बाकी जो है आपके पास बैकग्राउंड है। अगर आप इसको जो है अटेंशन पे करते हैं तो आपको ये बाकायदा पूरा एक फिगर नज़र आ रहा है और बाकी जो है वो आपके पास बैकग्राउंड है। तो इसको हम कहते हैं फिगर एंड बैकग्राउंड या फिगर एंड ग्राउंड रिवर्सल। फिर सीक्वेंस ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, तो अकॉर्डिंग टू रूबिन ने 1941 में परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस की कुछ सीक्वेंस दिए थे कि इसके जो सीक्वेंस हैं, यानी कि जब जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है उसके हम सीक्वेंसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज के ऑन स्टिमुलेशन बाय अ स्टिमुलस अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस इज अरोस्ड, यानी कि हम कोई भी स्टिमुलस को जब हम परसीव करते हैं, स्टिमुलेशन होती है, तो जब स्टिमुलेशन होती है तो क्या होता है कि स्टेट ऑफ अवेयरनेस जो है वो अरोस्ड हो जाती है, यानी कि हम अवेयर हो जाते हैं। देन इट इज़ फॉलोड बाय फाइंडिंग आउट द इंटररिलेशन अमॉन्ग सेवरल स्टिमुलाई इन द स्टिमुलस फील्ड, यानी कि जो आपके स्टिमुलस फील्ड में जो आपने जिस चीज़ को अटेंशन पे की है जिसकी वजह से आपकी स्टेट ऑफ अरोसल अरोज हुई है, स्टेट ऑफ अवेयरनेस अरोज हुई है, तब आप उस स्टिमुलस को उसकी स्टिमुलस फील्ड में सेवरल जिसके स्टिमुलस फील्ड है उसके साथ आप उसका इंटर रिलेशन जो है उसको फाइंड आउट करते हो। देन इट अगेंस्ट फॉलोज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ इमीडिएटली प्रेजेंट स्टिमुलेटिंग कंडीशन फ्रॉम अदर स्टिमुलाई। अब आप क्या करें कि आपने उसको परसीव किया, आप उसको बाकी स्टिमुलाई से डिफ्रेंशिएट कर दें। नाउ फाइनली एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स आउट एज अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड फिगर अगेंस्ट द रिमेनिंग एलिमेंट्स दैट फॉर्म द ग्राउंड, यानी कि आपने एक स्टिमुलस यानी कि एक ऑब्जेक्ट को आपने देखा, आपने उसको बाकी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट किया, आपने सिर्फ उसी चीज़ को अटेंशन पे की तो वही चीज़ जो है वो आपके पास फिगर आ जाती है, और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये आपके पास बैकग्राउंड आ जाता है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड। देन जो रूबिन है उसने फर्दर इसके कुछ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के कुछ सेलियंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए थे, जिसमें फर्स्ट वन है कि फिगर द ग्राउंड फॉर्म्स द बेस ऑफ अ फिगर ऑन विच अ फिगर अपीयर्स एज अ स्टैंडिंग आउट। ग्राउंड क्या है? आपके फिगर का बेस है जिस पे आपको फिगर नज़र आ रहा होता है, बगैर बैकग्राउंड के आपको फिगर नज़र नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ग्राउंड फॉर्म्स द बेस ऑफ अ फिगर। अगर सही तरीके से बैकग्राउंड ना हो तो आप फिगर को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, तो दैट इज़ व्हाई ग्राउंड फॉर्म्स द बेस ऑफ अ फिगर। फिर नेक्स्ट है कि द फिगर हैव सम सॉर्ट ऑफ अ शेप और फॉर्म दैट पोजेसेस द ऑब्जेक्ट क्वालिटी। फिगर क्या होता है कि उसका एक शेप होता है जिसकी वजह से उसकी एक ऑब्जेक्ट क्वालिटी होती है और आप उसको देख सकते हैं, जैसा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ग्राउंड क्या है कि उसका कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई उसकी ऑब्जेक्ट क्वालिटी नहीं होती। देन फिगर अपीयर्स नियरर टू द परसीवर व्हाइल ग्राउंड अपीयर्स डिस्टेंट। आप जाहिर है किसी चीज़ को अगर आप परसीव कर रहे हैं वो आपका फिगर है और आप उसको नियरर परसीव कर रहे हैं और जो ग्राउंड है वो आपके लिए डिस्टेंट है। देन फिगर इज मोर इम्प्रेसिव एंड मीनिंगफुल देन द ग्राउंड एंड फिगर अपीयर्स इन द फ्रंट एंड ग्राउंड बिहाइंड द फिगर।
देन ग्राउंड अपीयर्स एक्सटेंड बिहाइंड द फिगर एंड कर्व का टर्म डिड एज डबल रिप्रेजेंटेशन। अगेन इसके अंदर ये जो सारे पॉइंट्स हैं उसमें एक ही चीज़ बताई है कि अगर आप फिगर को परसीव करते हैं तो फिगर आपके लिए ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, ज़्यादा नज़दीक होता है, आपके सामने होता है, और जो ग्राउंड है वो आपके लिए दूर होता है, आपके लिए जो है फिगर के पीछे होता है, और ग्राउंड जो है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है बिहाइंड द फिगर। अब यहाँ पर क्या है कि कोफ्का ने इसको डबल रिप्रेजेंटेशन भी कहा गया है। देन द एरिया ऑफ फिगर बीइंग लिमिटेड कैन बी मोर इजीली एंड डेफिनेटली लोकलाइज देन एक्सटेंडेड ग्राउंड एंड द फिगर हैव सरफेस स्ट्रक्चर व्हाइल द ग्राउंड हैव फिल्मी टेक्सचर एंड द कॉन्ट्रोर सेपरेटिंग फिगर्स फ्रॉम द ग्राउंड बिलोंग टू द फिगर एंड नॉट टू द ग्राउंड एंड हेंस कॉन्ट्रोर आर परसीव्ड इन द फिगर। अगेन वही एक ही बात है कि आप किसी चीज़ को अगर परसीव करते हैं वो आपके लिए फिगर आ जाते हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके लिए ग्राउंड आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है। कॉन्टोर्स यानी कि कॉन्टोर्स का मतलब होता है कि जो फिगर है उसकी परफेक्ट बाउंड्रीज है जिसकी वजह से वो ग्राउंड से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अब जो फिगर है उसका परफेक्ट कॉन्टोर होता है जिसकी वजह से आप उसको परसीव कर पा रहे होते हैं। देन फिगर रिमेंस इन द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर आर मोर स्टेबल देन द ग्राउंड विच फॉल्स इन द पेरिफेरीज एंड नॉट इन द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। जो फिगर है वो आपके सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं और जो ग्राउंड है वो आपकी पेरिफेरीज में होते हैं। देन द फिजिकल एनर्जीज विद इन द फिगर इज मच मोर डेंस देन द ग्राउंड एंड देयरफॉर द कोहेसिव फोर्सेज डोमिनेट कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंशिएशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फिगर इज डिफिकल्ट एंड दिस मेक्स द ग्राउंड अपीयर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड वेल शेप्ड इन द ग्राउंड। अगेन जो फिगर है वो वेल शेप्ड है, वेल स्ट्रक्चर है अपने ग्राउंड से, जिसकी वजह से जो है आप फिगर को परसीव कर पा रहे होते हैं, और जो फिगर की फिजिकल एनर्जीज हैं वो ग्राउंड से ज़्यादा डेंस है, और यानी कि जो फिगर है वो आपके ज़्यादा सामने है, ज़्यादा आप उसको परसीव कर पा रहे होते हैं, वेल शेप्ड है, वेल स्ट्रक्चर है, उसकी बाउंड्रीज क्लियर हैं, तो वो आपके लिए फिगर है, आप उसको देख पा रहे हैं, और जो बाकी चीज़ें जिसको आपने इग्नोर कर लिया वो आपके ग्राउंड में आ जाते हैं, यानी कि आपके बैकग्राउंड में आ जाते हैं। तो ये थी आज की फिगर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के लिंक और चैनल के लिंक्स को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।